हाई अन वेलकम टू द डिस्ट्रेट स्ट्रक्चर ऑफ द्रेट मास् से नाइन पॉइंट थ्री ऑफ चैप्टर नाइन रिप्रेजेंटिंग रिलेन इस सैशन पर जानेंगे ये वीडियो इसी वक्त आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी uh, जब आपने नाइन पॉइंट वन और नाइन पॉइंट टू में यूज़ uh, होने वाले तमाम टॉपिक्स को अंडस्टैंड किया वितद एक्जाम्पल्स जो कि हम वीडियो सेशन पर कवर कर चुके हैं तो यूट्यूब पर आने के बाद फाद हुसैन सी ए से सर्च करके आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहुँचेंगे इसके प्ले लिस्ट पर आओगे जहाँ डिफरेंट डिस्प्लेन्स की वीडियोज़ मौजूद हैं इतलीज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कॉन्टेंट रिलेटेड मटीर प्रेजेंटेशन स्लाइड कोड ये कोडे ब्लाग फाद हुई कॉम पर अवेलेबल हैं तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यहाँ से यूज़ किया जा सकता है तो चैनल पर अगर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियो के हवाले से आपको बड़ जानकारी मिलती रहे और इस तरह की नई कई चीजें आसानी के साथ सीख सकें तो रोयन की बुक को एज यूजल हम फॉलो कर रहे हैं नाइन पॉइंट थ्री रिप्रेजेंटिंग रिलेशन है तो वट डज इट बीन? द टाइटल सजेस्ट अस कि हम रिलेशन को किस किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन अ फॉर्म ऑफ सेंटेक्स और द So द फर्स्ट थिंग रिप्रेजेंटिंग रिलेशन यूजिंग मैट्रसिस हम जानते हैं कि मैट्रिक्स एक रेक्टेंगल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा है या टू डायमेंशनल ऑफ द डेटा है जिसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं और डिफरेंट तरह के ऑपरेशन उसमें होते हैं अगर आपने लीन आज्रा में मैट्रिक्स पढ़ा हो तो आपको आइडिया होगा उदो हम चैप्टर थ्री फोर के अंदर मैट्रिक्स के टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जब हम गौरतम देख रहे थे तो अगर आपने वो वीडियो देखी है तो बहुत ही आसानी से बात समझ पाएगी सो अ रिलेशन बिटवीन फाइनाइट सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड यूज रिप्रेजेंटेडिंग आर जीरो नंबर ऑफ नंबर्स के साथ रिलेशन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है जीरो वन मैट्रिक्स के जरिए से जीरो वन मैट्रिक्स का मतलब है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जीरो एंड वन ही वैल्यूज होगी इसके अलावा कोई नंबर नहीं हो सकता सपोज आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए ठीक है एक आर रिलेशन है जो कि ए से ड्राइव हुआ है ए वन ए टू टेल टू वैल्यूज ऑफ एन टू बी वन बी टू बी टू एन सेट्स के जरिए एलिमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर आर्बिट्री ऑर्डर ए इक्वल टू बी वी कैन यूज द सेम ऑर्डर सो द रिलेशन आर इज रिप्रेजेंटेड बाय एम मल्टीप्लाई बाय एन मैट्रिक्स ठीक है अब यहां पर आई ऑफ जे की वैल्यू होगी क्या अगर वो वन होता है तो इसका मतलब है ए ऑफ आई एंड बी ऑफ आई रिलेशन से बिलोंग करता है अगर वो जीरो है यानी मैट्रिक्स में कहीं पे जीरो लिख रहा हूं तो उसका मतलब है ऑफ आई कॉमा बी ऑफ आई बी ऑफ जे इज नॉट बिलोंग्स टू ठीक है ये एक रिप्रेजेंटेशन है यानी अगर मैं इस तरह से एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ वन जीरो जीरो वन तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पार्ट एग्जिस्टिंग है ये पार्ट एग्जिस्टिंग है और ये एग्जिस्टिंग नहीं है यानी ये बियड आपके रिलेशन में मौजूद नहीं है so the matrix representation uh, representing r has a 1 as its i or j entry when a of i is related to b of j and 0 uh, which means a of i is not related to b of j which means the period of a of uh, b is not available so let's see the example to understand more thing about that uh, suppose uh, there is a set a and b let r be the relation from a to b containing a b if a belongs to a b belongs to b and ए इज ग्रेटर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ए और बी के जरिए एक रिलेशन बनाना है या रिलेशन हो सकता है जिसमें ए और बी जो है पियर्ड फॉर्म पर होंगे तो ए कॉमा बी की वैल्यूज बनेगी ए से बिलोंग करेगा और बी कैपिटल बी से बिलोंग कर रहा है अब जब पेयर्ड बनेंगे तो उसमें जरूरी है कि जो ए पहली वैल्यूज लिखी जाएगी यानी इस तरह से जो वैल्यूज लिखी जा रही है यो फॉर एग्जाम्पल एक है तो पहली वैल्यू क्या हो ग्रेटर दैन हो बी से तो इसका मतलब है कि यहां पर ये कंडीशन फॉल्स हो रही है लेकिन अगर मैं इसे फोर कॉमा वन लिखकर देखता हूं तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है वाली तो वही तमाम रिलेशन पर पेयर्ड आएंगे जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं तो वट इज द मैट्रिक द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इन द सेम एज द इंक्रीजिंग न्यूमेरिकल ऑर्डर यानी आप न्यूमेरिकल ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर पर आप इसे लिखें अब रिलेशन पर देखें मैंने कुछ वैल्यूज लिखी है टू कॉमा वन थ्री कॉमा वन थ्री कॉमा टू पहली वैल्यूज ग्रेटर है बी से राइट right. पहली वैल्यू ग्रेटर है सेकंड से राइट पहली वैल्यू ग्रेटर है सेकंड से राइट uh, right. यहां पे भी पहली वैल्यू पहले से uh, दूसरे से ग्रेटर है तो इन तीनों वैल्यूज पर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है ये हमें कैसे पता चला जब आप ए और बी का कार्डिस प्रोडक्ट कंप्लीट लेंगे तो उसमें से आप ये वाली कंडीशन अप्लाई करते हुए देखते जाएंगे कि कौन सी कंडीशन ट्रू हो रही है। और उसे हम रिलेशन पर मैप कर देंगे ठीक है पहला काम हो गया अब मैटर्स बनाने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि डोमेन वैल्यूज क्या क्या है डोमेन वैल्यू वो होती है जो ए की वैल्यू होती है तो यहां पर डोमेन वैल्यूज लिखी हुई है टू एंड थ्री तो उसका मतलब क्यूं? तो यहां पर जो रॉ वैल्यूज लिख रहा हूँ वो लिख रहा हूँ वन टू थ्री जबकि कॉलम वैल्यू है वो वन और टू है तो यहां आ गया वन और यहां आ गया टू अब देखिए जहां जहां जीरो लिखा हुआ इसका मतलब है कि वो पियर्ड मौजूद नहीं है टू

हमें यहाँ पर रिलेशन दिया नहीं गया तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ए और बी के दरमियान कार्टिस्टेंट प्रोडक्ट बनाना होगा तो वेरी सिंपल हम क्या करेंगे ए वन को बी वन के साथ पेयर बनाएंगे ए वन को बी टू के साथ बी थ्री के साथ फोर एंड फाइव एंड सो ऑन तमाम पॉसिबल पेरियड बनेंगे लेकिन इसका आसान सा तरीका यह है कि अगर हमें रिलेशन ना दिया जाए तो हम मैट्रिक्स ऐसे बनाएंगे कि जितने ए सेट की वैल्यू है वो रॉ की वैल्यू बन जाएगी और जितने बी की है वो कॉलम की तो मैं यहाँ लिख दे सकता हूँ ए वन ए टू ए थ्री ये हो जाएगा बी वन बी टू बी थ्री बी फोर एंड बी फाइव एंड दर से जहाँ पर वो वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही थी विच ऑर्डर पियर्ड आर इन अ रिलेशन आर रिप्रेजेंटेड बाय द मैट्रिक्स तो ये मैट्रिक्स की विजुलाइजेशन तो देख ली अब हमें ये बताना है कि वो तमाम पॉसिबल्स तो वैल्यूज आ जाएंगी लेकिन जीरो लिखने का मतलब है कि ये वाली वैल्यू नहीं होगी और वन लिखने का मतलब है कि ये वैल्यू है तो वन लिखने का मतलब ये हुआ अगर मैं फर्स्ट रॉ के रिस्पेक्ट से बनाऊँ तो मैं लिख सकता हूँ ए वन कॉमा बी टू ठीक है फिर इसी तरह से हमें यहाँ वैल्यू मिल रही है सर क्योंकि यहाँ पर वन एक ही था मैंने कैंसिल कर दिया ये कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि ये है बी टू बी वन तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर ए टू बी वन क्योंकि ए की वैल्यू पहले लिखी जाएगी फिर है ए टू बी थ्री ए टू बी थ्री फिर है ए टू बी फोर ए टू बी फोर ये भी हो गया उसके बाद ए थ्री बी वन ए थ्री बी वन एंड ए थ्री बी थ्री ए थ्री बी थ्री द लास्ट वन ए थ्री बी फाइव दर्स इट दर्स ए सोल्यूशन के इस मैट्रिक्स के मुताबिक ये ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है और अगर मुझे कंप्लीट वैल्यूज कहा जाए कि मैट्रिक्स के लिए बनाए तो जितने भी ए क्रॉस बी के जरिए से पॉसिबल पीरियड आ रहे होंगे वो तमाम को मैं यहाँ परिप्रेजेंट करूंगा तो यही सोल्यूशन यहाँ पर मौजूद है जो देखे नीचे लिख कर दिखाया गया मैंने यहाँ पर कर दिया कि ये वैल्यूज़ किस तरह से आ रही है और एम ऑफ आई जेवल टू वन है तो उसका मतलब है कि वो वैल्यूज कर रही दैट्स इट तो फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन पे हमने देख लिया कि रिलेशन को मैट्रिक्स से कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है तो क्या रिलेशन को किसी सेट्स के फॉर्म पर भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसकी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं जी हाँ है, बिल्कुल लेकिन वो कैसे सो इफ आर इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन अगर आर एक रिलेशन है जो कि रिफ्लेक्सिव टाइप का है और रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं सारी चीजें होपफुली आपने वो चीज़ें देखी भी होंगी तो हम जब रिलेशन पर सॉरी टाइप्स ऑफ द रिलेशन पर जब देख रहे थे तमाम चीज़ों को तो वहाँ पर हमने उसकी रिप्रेजेंटेशन भी देखी थी कि मैं उसको मैट्रिक्स और साथ ही साथ ग्राफ के फॉर्म पर भी दिखा सकता हूँ ठीक है सो रिफ्लैक्सिव रिलेशन ऑल द एलिमेंट ऑन द मेन डायगनल ऑफ एम आर आर इक्वल टू वन

लेकिन जब आप एंटी सेमेट्रिक की बात करते हो तो यहां पे कहा गया था कि ओनली इफ एम ऑफ आई जे इज इक्वल टू जीरो अगर है तो आई और जे बराबर नहीं होगा उसी वक्त ये चीजें हो सकती है अब आप देखो कि यहां पर जीरो है तो बिल्कुल इसके सामने क्या है वन सेंटर पे दोनों ही जीरो जीरो बराबर है और यही चीज जब यहां पर आ गई तो वन है तो इसके सामने क्या होगा जीरो ठीक है यानी जीरो जीरो है तो दोनों से हम रहेगा अगर एक तरफ जीरो है तो उसके सामने वन हो सकता है पर दूसरी तरफ बने तो उसके सामने जीरो हो सकता है ये मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन तो है लेकिन साथ ही साथ हम इन सेंस ऑफ दी सेट्स की वैल्यूज को देख रहे हैं क्या मैं इन वैल्यूज को सेपरेट करके एक सेट कह सकता हूँ इसे भी एक सेपरेट करके सेट कह सकता हूँ तो बेसिक चीजें हमने फॉर्म पे देखी अब एग्जाम्पल्स हैं कुछ रिलेशन के ऑन अ सेट्स क्या है ये सपोज दैट द रिलेशन आर ऑन अ सेट रिप्रेजेंटेड बाय द मैट्रिक्स अब हमें रिप्रेजेंटेशन दी गई है मैट्रिक्स की जो कि यहां पर मौजूद है और कहा जा रहा है कि इज आर इज अ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड और एंटी सीमेट्रिक यानी ये तीनों चीजें हमें बतानी है कि ये तीनों चीजों में कौन कौन से रिलेशन के टाइप्स ही हो सकते हैं बिकॉज ऑल द डायगनल एलिमेंट आर इक्वल टू वन अगर आप डायगनल एलिमेंट देखें तो सारे के सारे बेसिक चीज पर मैंने ये देखा था अगर ये सारे वन होंगे तो एलिमेंट क्या हुआ रिफ्लेक्सिव हुआ पहली चीज प्रूव हो गई आर इज ए रिफ्लेक्सिव बिकॉज एम ऑफ आर इज सिमेट्रिक आर इज सिमेट्रिक एंड नॉट एंटी सीमेट्रिक बिकॉज यानी इसको हम सिमेट्रिक तो कह रहे हैं ठीक है बट नॉट एंटीसेमेट्रिक्रिक उसे नहीं कह रहेमल देखें तो दोनों की वैल्यूज यहाँ पर क्या आ रही है इस तरह से दिखता होता है ना यू दोनों वैल्यूज क्या रही है यू देखें आप इन दोनों को इसे और इसे दोनों की वैल्यूज क्या है

ऑफ एस रिप्रजेंट कर रहे थे और हम इसकी एग्जाम्पल ऑलरेडी कवर कर चुके हैं सो मैट्रिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ द रिलेशन पे किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है द मैट्रिक्स ऑफ दूनियन ऑफ टू रिलेशन इज अंट बोलियन और बिटवीन द मैट्रिक्स और द कॉम्प्लीमेंट रिलेशन यानी जब आप यूनियन uh, कर रहे हैं दो रिलेशन uh, के दरमियान तो वो एक ज्वाइन बोलियन ऑपरेशन ठीक है किसके दरमियान बिटवीन मैट्रिक्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट रिलेशन द मैट्रिक्स ऑफ द इंटरसैक्शन जब यह आप इंटरसैक्शन कर रहे हैं मीट तो अगर वो दोनों मिलते हैं वैल्यूज तभी हम लिखते हैं जबकि हम जानते हैं कि यूनियन पे ऐसा नहीं होता यूनियन पे हम ऑर्डर पे तमाम वैल्यूज को लिख लेते हैं तो यहाँ पे बुलियन एंड का इस्तेमाल किया जा रहा है एंड दोनों में होना चाहिए और में दोनों में से कहीं पर भी एक पे हो तो हम उसे कंसिडर कर लेते हैं बिटवीन द मैट्रिक्स ऑफ कंपोनेंट रिलेशन द थर्ड पॉइंट द मैट्रिक्स ऑफ द कंपोजिशन रिलेशन आर ऑफ आर इज अ बुलियन प्रोडक्ट आर ऑफ आर क्या होता है जिसमें इट्स सेल्फ हम पावर ऑफ द रिलेशन दे रहे होते हैं ये भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जहाँ पर हमने कॉम्पोजिशन पढ़ा था वहीं पर हमें कम्पोजिशन ऑफ रिलेशन विद इट सेल्फ भी देखा था तो बिटवीन द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग आर एंड इट्स यानी यहाँ पर आर की वैल्यू खुद जो है वो प्रोडक्ट uh, बना रही होती है तो इसे भी हम कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशन पर मैट्रिक्स के फॉर्म पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे तो हमें मजीद बात समझ में आ जाएगी ज्वाइंस एंड मीट ऑफ जीरो क्योंकि हमने फर्स्ट पे देखा ज्वाइंग बुलियन ऑर्स की एग्जाम्पल के ब्याव पर so, uh, सो जीरो कर सकते हैं uh, एक सेट uh, है ए जिसको हम ए ऑफ आई जे कह रहे हैं और बी है बी ऑफ आई जे तो एम ऑफ एन का ये मैट्रिक्स प्लॉट होगा जीरो बी इज ए जीरो आइथ एंड जीत एंट्री तो आइथ और जीत की एंट्री ए और बी के दरम्यान हम कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं और का कर रहे हैं द ज्वाइन ऑफ ए एंड बी इज डोनेटेड बाय ए

और से रिप्रेजेंट किए तो हर एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के सेम एलिमेंट के साथ और ऑपरेशन किया जा रहा है देखें ये रहा वन इस वन को इस जीरो के साथ इस जीरो को इस वन के साथ इस वन को इस जीरो के साथ इस जीरो को इस वन के साथ इस वन को इस वन के साथ और इस जीरो को इस जीरो के साथ देखिए तमाम वैल्यूज है तो और ऑपरेशन पर एक भी अगर वन होगा तो हम कंसिडर उसको ओवरऑल वन कर लेंगे ठीक है यहाँ पर एक वन है वन कंसिडर कर लूंगा यहाँ पर भी एक वन है कंसिडर कर लूंगा यहाँ दोनों वन है ठीक है तब भी हम वन करेंगे यहाँ पे भी वन करेंगे लेकिन यहाँ दोनों जीरो है तो ये पार्ट रहा बाकी तमाम वन हो गए तो ये है जॉइन ऑपरेशन ए एंड बी मैट्रिक्स के दरमियान बाई लॉजिकल बुलियन और ऑपरेशन द मीट ऑफ द ए एंड बी मीट का मतलब है दोनों की वैल्यूज वन होनी चाहिए सेम प्रोसीजर के साथ मल्टीप्लाई किया गया और यहाँ पर सिर्फ एक ऐसी वैल्यू है जो दोनों ट्रू है यानी वन के साथ है और ये यहाँ पर हो रही है तो दैट इज अ मीट ऑफ ए एंड बी मैट्रिक्स फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ द रिलेशन कंटिन्यू तो अभी ये एग्जाम्पल्स जो प्रीवियस स्लाइड पर थी कि वही चीज़ है यहाँ पर जो अभी हमने यहाँ पर लिखा है सो द यूनियन ऑफ़ टू रिलेशन जिसको हमने ज्वाइन uh, और relation, हमने कहा और इसके बाद इंटरसक्शन ऑफ द टू रिलेशन जिसको हमने बोलियन एंड कहा और कॉम्पोजिशन जिसे हम बोलियन प्रोडक्ट कह रहे हैं तो बोलियन प्रोडक्ट के लिए हमें सबसे पहले मैट्रिक्स के मल्टीप्लीशन का रूल पता होना चाहिए तो मैट्रिक्स ए और बी को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो उसे ए बी के फॉर्म पे प्रोडक्ट पे रिप्रेजेंट किया जाएगा तो एम यहां पर नंबर ऑफ रॉज है और एन जो है वो कॉलम है ठीक है तो अगर ए और बी में एम रॉज एंड एन कॉलम है और बी के अंदर एन रॉज और एम कॉलम है ठीक है यानी ये अब रॉ बन गया और ये कॉलम है तो इनके जो काउंट होंगे यानी फर्स्ट का कॉलम और सेकेंड का रॉ ये दोनों क्या होना चाहिए इक्वल होने चाहिए और एम और पी के जो डायमेंशन है वही डायमेंशन हमारा ए और बी का होगा यानी फाइनल रिजल्ट के जो डायमेंशन आएंगे फॉर एग्जांपल ए और बी को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो थ्री बाय थ्री का मैट्रिक्स बनता है मैट्रिक तो थ्री का मैट्रिक्स एक्चुअली इन दोनों के डायमेंशन पर बेस करेगा एम और पी के ठीक है इस बिहाफ पर हम मल्टीप्लीकेशन शुरू करते हैं इधर आप कैलकुलस फॉर्मेट पर देखें के फॉर्मेट पर देखें या फिर डिस्क्रीट uh, फॉर्मेट पे देखें तीनों जगह पर सेम डेफिनेशन uh, लागू होती है अब हम बोनियम प्रोडक्ट को देख रहे हैं जीरो वन मैट्रिक्स के लिए तो

फिर सेकंड को सेकंड एलिमेंट के सेकंड के साथ एंड ऑपरेशन करें और इन दोनों के दरमियान और करें एंड सो ऑन इस तरह से एंड ट्रम्प तक वैलेंस चलेगी तो अगर आप इस ए मैट्रिक्स को देखें तो इसमें नंबर ऑफ जो है, वो थ्री है, और कॉलम की क्वान्टिटी दो अगर आप बी पे देखें तो नंबर ऑफ फ्रॉज की क्वांटिटी यहां पर टू है और कॉलम की क्वाटिटी थ्री और यही चीज हमें देखनी थी ये दोनों सेम होने चाहिए ठीक है तो दोनों सेम है इसका मतलब है कि मैट्रिक्स की मल्टीफिकेशन यहां पर पॉसिबल है जबकि फर्स्ट और वहां पर जो लास्ट है वो थ्री थ्री तो इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट में जो हमारा रिजल्ट आएगा वो थ्री बाय थ्री का आएगा और वो भी यहां पे प्रूव हो गया प्रोडक्ट ऑफ डी यानी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रॉ के तमाम कॉलम को इस तरह से मल्टीप्लाई किया जाएगा कि इस फर्स्ट रॉ को इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा इससे किया जाएगा इससे किया जाएगा फिर इस सेकेंड uh, रॉ को इससे इससे और इससे किया जाएगा फिर थर्ड रॉ को इससे इससे और इससे किया जाएगा तो सेम लॉजिक के साथ यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन से बुरा दिए कि जो बुलियन प्रोडक्ट की लॉजिक है जो अभी हमने यहाँ पर देखा था इस सेंस में वो इस पर अप्लाई किया जाएगा ठीक है तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पर अप्लाई होता हुआ देखा दोनों के दरमियान जो है आप देखें तो और है और इनके दरमियान एंड ऑपरेशन हो रहा है तो सारी वैल्यूज के दरमियान किया गया उसके बाद इसका रिजल्ट जो है एंड के रिस्पेक्ट से यहाँ पर वन आएगा और इसका रिस्पेक्ट जीरो आ जाएगा और जीरो एंड वन के दरमियान जब और करेंगे यानी इस वैल्यू के दरमियान जब Uh, और किया गया तो उसकी वैल्यू आ गई सेम लॉजिक तमाम पर अप्लाई हुई और हमारे पास बुलियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी ये आ गया दैट विल बी द आंसर ऑफ द बुलियन प्रोडक्ट हो पी विल अंडरस्टैंड के uh, किस तरह से हमने यूनियन ऑफ टू रिलेशंस को मैट्रिक्स uh, के जीरो वन फॉर्म में कन्वर्ट किया इंटरसेक्शंस को किस तरह से किया और कॉम्पोजिशन के लिए बुलियन प्रोडक्ट को हमने किस तरह से किया सो so, Another thing, uh, the representation relation using a digraph. Digraph का मतलब है directed graph. As we have seen a little bit about this, जब uh, हम basic representation देख रहे थे कि जब हमें कोई relation दिया जाता है, तो उस relation को हम directed graph से भी represent कर सकते हैं. Directed graph का मतलब है कैसा graph, जिसमें direction मौजूद हो. तो graph की definition क्या है? That's a collection of the uh, vertices and edges. Vertices वो हैं जो circle से represent किया जाता है. I'm going to zoom it now. यानी uh, इस yani a को मैं इस स्मॉल सर्किल को कहूंगा कि यह हमारा वर्टेक्स या नोड है यह वर्टेक्स या नोड है वर्टेक्स या नोड है वर्टेक्स या नोड है, है दोनों में से एक नाम कहा जा सकता है और जो लाइन इन दोनों वर्टेक्स को ज्वाइन कर रही है दैट इज टू बी एज ठीक है और डायरेक्शन का मतलब यह है कि ये ए से बी की तरफ डायरेक्टेड हो रहा है ओके okay. अब एग्जाम्पल पर डायरेक्ट चलते हैं क्योंकि ये चीज मैंने आपको रफ आइडिया पर बता दी आ, ये चीज यहां पर लिखी हुई है एन एच ऑफ द फॉर्म ए ए कॉमा इज कॉल्ड अ लूप ए कॉमा ए का मतलब ये होता है कि अगर हमें इस तरह से एक नोड दिया जाए और ए कॉमा ए तो इसका मतलब यह है कि इसका नाम ए है तो ए से मैं ए पे ही जाऊंगा तो हमें इस तरह से एक लूप बनाना होता है डायरेक्शन के साथ इसका मतलब है ए से ही चलकर मैं ए पर आ गया तो अ ड्राइंग ऑफ द डायरेक्टेड ग्राफ विस ए बी सी डी वर्टेसिड का मतलब ये है कि हमारे पास जो बेसिक नोड है उनके नाम है तो आप देखें यहाँ पे चार नोड बना दिए गए ए बी सी डी एन एजिस अब एजेस को रिप्रेजेंट किया जा रहा है ए कॉमा बी से यानी ए से बी के दरमियान आप एज बनाए ये बना दिया ए से डी के दरम्यान बनाए रहा बना दिया ए से सॉरी बी से बी के दरमियान बनाए ये देखें लूप बना दिया बी से डी के दरमियान बनाए बी से डी बन गया सी से ए बन गया डी से बी बन गया ये रहा डी और इससे बी बना दिया तो इस तरह से ये जो कंप्लीट ग्राफ है इसे हम डायरेक्टेड ग्राफ कहेंगे और ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक रिलेशन पियर्ड वैल्यू को तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे ग्राफ दिया जाए ठीक है तो मैं ग्राफ से पेयर्ड ऑफ रिलेशन बना सकता हूं ठीक है और अगर मुझे सिंपल मैट्रिक्स दिया जाए तो मैं मैट्रिक्स से ग्राफ बना सकता हूं या फिर मैट्रिक्स से पेयर ग्राफ भी बना सकता हूं ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि अगर हमें एक कॉन्सेप्ट सही तरीके से समझ में आ जाता है तो हम उसके बिहाव पर उसकी कन्वर्जन कहीं पे भी, भी कर सकते हैं मैट्रिक्स दिया जाए मैट्रिक्स से मैं पेयर्ड वैल्यूज बना सकता हूं तो ठीक है जब पेयर्ड वैल्यू बन गई तो मैं ग्राफ बना सकता हूं ग्राफ मिल जाए मैट्रिक्स बना सकता हूं यानी हर तरह की कन्वर्जन रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म पर रिलेशन की हो सकती है सो अनदर एग्जाम्पल वट आर द दर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन रिप्रेजेंटेड बाय आर दिस डायरेक्टेड ग्राफ अब हमें ग्राफ दिया गया है और इस ग्राफ से कहा जा रहा है कि इसकी रिप्रेजेंटेशन बताएं कि पेयर्ड वैल्यूज रिलेशन के क्या होंगे सबसे पहले तो वन से देखेंगे हम क्योंकि वन टू थ्री आ, फोर जो है ऑर्डर हमारे जो है के नाम है तो वन से मैं कहा जा रहा हूँ सबसे पहले तो वन से रिलेशन देखा जाएगा एरो का देखो वन से इधर जाने के लिए ये एरो यू नीचे की तरफ है इसका मतलब है वन से मैं फोर की तरफ जा रहा हूँ ठीक है क्या मैं वन से इसके अलावा भी जा रहा हूँ वन से थ्री जा रहा हूं ये देखो तो वन से थ्री पहले लिखूंगा और उसके बाद वन से फोर लिखूंगा ऑर्डर फॉर्मेट करने के लिए तो मैंने लिखा वन से थ्री वन से फोर फिर वन से मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ ठीक है फिर मैं टू की तरफ आऊंगा टू से क्या मैं वन की तरफ जा रहा हूँ बिल्कुल लिख दिया इस पे सेल्फ लूप मौजूद है इसका मतलब है टू से टू भी जा रहा हूँ क्या मैं टू से थ्री जा रहा हूँ जया जा, जा रहा हूँ टू से फोर जा रहा हूं नहीं अच्छा इ, इसकी चीजें खत्म हो गई थ्री पर आया क्या मैं थ्री से वन पे जा रहा हूँ हाँ थ्री से टू पे जा रहा हूँ नहीं थ्री से थ्री के लिए सेल्फ लूप मौजूद है जी हाँ फोर फोर पे से वन पे जा रहा हूँ फोर से टू नहीं जा रहा हूँ फोर से थ्री जा रहा हूँ फोर से फोर जा रहा हूँ नहीं तो ये हो गया हमारा कंप्लीट सोल्यूशन विध रिस्पेक्ट टू द डायरेक्टेड ग्राफ रिलेशन फ्राम इट्स डायग्राफ यानी आप डिटर uh, मालूम कर सकते हैं प्रॉपर्टीज को प्रॉपर्टीज ऑफ अ रिलेशन डायरेक्टिंग जरिए से किस तरह से अगर रिफ्लेक्सिटिविटी uh, देखनी है यानी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है सो ए लुप मस्ट बी प्रेजेंट एट ऑल दर्टेस इन अ ग्राफ यानी अगर मुझे ग्राफ दिया जाए किसी भी तरह का ठीक है सिंपल सयुग में ग्राफ बनाता हूं तो हर पे सेल्फ लुप होना जरूरी है ठीक है तो सेल्फ लूप होने का मतलब ये होगा कि गिवन ग्राफ जो है इज अ टाइप ऑफ द रिफ्लेक्सिव रिलेशन द नेक्स्ट वन सिमेट्रिक जिसे हैं symmetric अगर एक एज एक्स से वाई की तरफ जा रहा है तो वाई से एक्स की तरफ भी जाना चाहिए इस तरह से ग्राफ होना चाहिए यानी ग्राफ पे इस तरह से एजेस अगर मौजूद है तो हम अंडरस्टैंडिंग के भी आपको बता सकते हैं कि सिमेट्रिक ग्राफ है एंटी सिमेट्रिक के लिए एक्स एंड वाई विथ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई इन एन एच दैन वाई एक्स इज नॉट एच यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्स से वाई की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं इस तरफ से वाई से एक्स की तरफ नहीं आ सकता तो अगर इस तरह की नोटेशन यहाँ पे मौजूद है तो गिवेनग्राफीडर एस एंटीसेमेट्रिक्स वाई के बराबर नहीं होता एंडी जिसको ट्रांजेटिव रिलेशन कहते हैं यानी अगर मैं एक्स से वाई एंड वाई से जेड जा रहा हूँ एक्स से वाई एंड वाई से जेड जा रहा हूं तो उसका मतलब ये हुआ कि x से z पर जाने के डायरेक्टली कोई नोड होना चाहिए यानी मैं x से सॉरी ये x से y हो गया और फिर यह y से ये z हो गया ठीक है लिख देते हैं हम यहाँ पे x एंड y। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक z एक नोड ऐसा होना चाहिए जो x से z को कनेक्ट कर रहा हो तो दैट तो इज इस तरह का अगर कोई रिलेशन हमें ग्राफ पर मिल रहा है तो वी कैन सी दैट द गिवन ग्राफ इज अ रिलेशन टाइप ऑफ द ट्रांसटिव ग्राफ, इन ग्राफ, इन ग्राफ, इन ग्राफ कुछ प्रॉपर्टीज हैं यहां पर जिसके बिहाफ पर हम कंसीडर कर रहे हैं कि जो गिवन ग्राफ है वो किन किन टाइप्स के ग्राफ को फॉलो कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि ग्राफ इस तरह से नोट पे हो सकते हैं जिसके दरमियान कोई एडजस्ट ना हो बिल्कुल हो सकते हैं लेकिन कोई एज नहीं बनाई जा सकती ब्लैंक एज होने के लिए जरूरी है कि इसके स्टार्टिंग और एंडिंग पे कोई ना कोई नोड होना चाहिए लेकिन नोट दो बनाए जा सकते हैं जो कि कनेक्टेड ना हो ठीक है वो टाइप ऑफ ग्राफ की बेसिक डेफिनेशन पर आता है अच्छा ए बी सी डी फोर नोट हैं ए पर सेल्फ लूप मौजूद है और उसके अलावा कोई भी नहीं है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं तो एवरी जो जितने भी हैं उन पर लूप होना चाहिए जबकि यहाँ पर लूप मौजूद नहीं है सब पर सिर्फ एक पर है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ सिमेट्रिक यस yes, ये क्या है सिमेट्रिक है देर इज नो एज फ्रॉम एनी वन वर्टिक्स टू अनदर यानी एक वर्टिक्स से दूसरे वर्टिक्स के दरमियान कोई एजेस नहीं है तो मैं इसे कहूंगा कि यह सिमेट्रिक की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है क्या ये एंटी सेमेट्रिक है तो एंटी सेमेट्रिक की डेफिनेशन अगर आप प्रीवियस स्लाइड से देखें सेमेट्रिक में ये कहा गया था कि एक्स से वाई के दरमियान है तो देन सो इज वाई जेड तो वाई जेड के दरमियान भी अंडरस्टूड होगा कि हम आ सकते हैं लेकिन एंटी सेमेट्रिक में कहा गया था कि अगर एक्स से वाई है अगर जो नॉट इक्वल टू जीरो हो तो वाई से एक्स के दरमियान नहीं होना चाहिए तो ये दोनों चीजों को फॉलो कर रहा है ना ए से बी की तरफ है ना बी से ई की तरफ तो एंटी सेमेट्रिक भी ये यस पर आएगा और ट्रांजिटिव पे देखें तो देर इज नो एज फ्रॉम एनी वर्टेक्स टू अनदर वन तो जब ये ए से बी और बी से सी जा ही नहीं रहा है तो ए से जेड का तो कोई सवाल ही नहीं बनता तो हम इसे ट्रांजिटिव भी कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव भी है बेस्ड ऑन दिस डेफिनेशन द नेक्स्ट वन अगर आप यहां देखें तो फोर नोड है फोर uh, नोड्स के अंदर ए से मैं बी जा रहा हूँ बी से डी और डी से डी की तरफ भी आऊंगा लेकिन ए से सी और डी से सी या बी से डी का कोई कनेक्शन मौजूद नहीं है तो सबसे पहले देखें तो ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं तो सेल्फ रूप नहीं है तो मैंने कह दिया कि ये रिफ्लेक्सिव uh, नहीं है सिमेट्रिक इज एन एच From ए टू बी बट नॉट फ्रॉम बी टू ए यानी मैं ए से बी तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं बी से ए नहीं जा सकता Symmetric में यही था तो मैंने इसके ब्याह पर क्या कह दिया कि ये नहीं है एंटी सेमेट्रिक में ये था कि अगर मैं ए से बी जा रहा हूँ, तो बी से ए नहीं जाना चाहिए तो यहाँ पर अगर आप डेफिनेशन देखें बी टू डी में तो मैं बी टू डी भी जा रहा हूँ डी से ए भी जा रहा हूँ यही चीज यहां पर बताई गई है तो इसके ब्याव पर यह नहीं होना था तो इसका मतलब एंटी सेमेट्रिक नहीं है पॉजिटिव नहीं है क्यों देर आर एच फ्राम ए टू सी फ्राम सी टू बी बट देयर इज नो एच डैट इज डायरेक्टली कनेक्ट ई टू डी यानी ए से डी से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो रहा अगर ये होता तो मैं इसे कंसिडर करता क्योंकि ये नहीं है तो ये वाले टाइप भी इसमें नहीं आएगी तो इस चीज को भी हमने यहाँ पे देखी तो इस एग्जाम्पल से फुल सारी चीजें हमें क्लियर हो रही होंगी जितने टाइप्स ऑफ दी रिलेशन हमने देखा और जब हमें सिस्टमेटिकली कोई ग्राफ में क्वेश्चन दिया जाएगा तो हम उसे किस तरह से अंडरस्टेंड कर सकते हैं दर्ड बॉड ए बी सी डी नोट्स के साथ मौजूद है और नोट्स पर अगर आप देखें तो ये एक पार्ट बना रहा है जो ट्रांजेटिव के फॉर्म पर होता है ठीक है लेकिन हर टाइप्स पर अगर हम इसको फॉलो करें तो ये किस तरह से हो रहा है तो ट्रांजेटिव तो मैंने पहले ही देखते बता दिया था और ये ट्रांजेटिव हैदी क्यों क्योंकि मैं ए से बी जा रहा हूँ तो बी से सी भी जा रहा हूँ और जब मैं बी से सी जा रहा हूँ तो मैं डायरेक्टली ए टू सी भी जा सकता हूँ रिफ्लेक्सिव पर देखें सेल्फ रूप नहीं है तो नहीं होगा सिमेट्रिक देर इज नो एच फ्रॉम सी टू ए तो सी टू ए के दरमियान जो है कोई एच मौजूद नहीं है डायरेक्शन के साथ क्योंकि डायरेक्टेड ग्राफ होता है तो ये सिमेट्रिक नहीं हुआ ए से सी होना चाहिए तो सी टू ए बी होना चाहिए था ओके एंटी सेमेट्रिकस वेन एवर देयर इज एन एच फ्रॉम वन टू अनदर देयर इज नॉट अ वन गोइंग बैक तो बिहाफ ऑफ दिस ये एंटी सिमेट्रिक है एंड द लास्ट वन ट्रांजिटिव वो तो हमने ही लिया है कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन uh, uh, है ही द फोर्थ एग्जाम्पल सेम नंबर ऑफ नोट्स के साथ है लेकिन को यहां पर मूव किया गया है फर्स्ट एग्जाम्पल देखते ही रिफ्लेक्सिव नहीं है ट्रांटिविस्टी नहीं है देर इज नो एच फ्रॉम डी टू ए डी टू ए को कनेक्ट डायरेक्टली अगर ए से डी जाया जा रहा है तो डी से ए हम डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर पा रहे सेमेट्रिक की डेफिनेशन पे तो नहीं है एंटी सिमेट्रिक है एंटी सिमेट्रिक में ये था कि अगर मैं ए से बी जा रहा हूं तो बी से ए नहीं जाना चाहिए तो बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है वेन एवर देर इज एन एच फ्रॉम वन वर्टिक्स टू अनदर देयर इज नॉट वन गोइंग बैक यानी ए से डी जा रहा हूं डी से बी नहीं जा सकता बी से तो सी जा, तो so, uh, no जा रहा हूं तो सी से डी नहीं जा सकता तो एंटी सेमेट्रिक है ट्रांजेटिव के लिए यहां पर ट्रांजेटिव क्यों है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है सो देर आर नो टू एज वे आर द फर्स्ट एज एंड एट द वर्टिक्स वे आर द सेकंड एज बिगन यानी कोई ऐसा एज नहीं है जिसको मैं कहूं कि अगर मैं ए से बी जा रहा हूं तो बी से सी जा पा रहा हूं तो इस लिहाज से मैं इसको कहूंगा कि ट्रांजेटिव है क्योंकि जरूरी है कि अगर मैं ए से बी जाऊं ठीक है साथ ही साथ में एंड लिखता था बी टू सी भी होना चाहिए अगर ऐसा है तो फिर ए टू सी कंसिडर किया जाएगा जब ये पार्ट ही नहीं है तो हम कंसीडर नहीं कर सकते ना इन दोनों के बिहाफ ये ये देखा जाएगा कि ये है या नहीं तो जब चीज हो ही नहीं रही है तो हम इसको ट्रॉजिटिव कंसीडर कर सकते हैं तो यही वजह है कि से तो ट्रॉजिटिव यस लिखा गया सो एग्जाम्पल ऑफ द पावर ऑफ द रिलेशन अगर आप पावर ऑफ द रिलेशन को देखें तो पावर ऑफ रिलेशन में क्या था जब हम कॉम्पोजिशन पढ़ रहे थे बाइट सेल्फ जिसको हम पार ऑफ से रिप्रेजेंट करते हैं तो ऑफ आर आर का मतलब ये होता है उसमें स्क्वायर फिर क्यूब का मतलब ये होता है कि क्यूब बराबर होता है स्क्वायर ऑफ एंड सो ऑन इस तरह से फोर्थ वैल्यू निकाली जाती है खैर तो एग्जाम्पल में ए बी सी डी के दरमियान यहां पर डेटा मौजूद है जो फ्लो के साथ मौजूद है आर और इसे आर स्क्वायर इस तरह से किया जा रहा है कि इनके दरमियान जो रिप्रेजेंटेशन है ग्राफ की उसको हमने क्या किया गया जो ए से सॉरी यहां पर देखें तो डी से मैं बी की तरफ जा रहा था तो डी से बी की तरफ को मैंने क्या कर दिया बी से डी की तरफ मूव कर दिया और बाकी चीजें वैसे ही हैं तो ये स्क्वायर स्क्वायर रिलेशन इस को को अगर मैं सेल्फ लूप में सिर्फ कन्वर्ट कर कर और इसकी जो तो ये क्या बन जाएगा आर क्यूब बन जाएगा और इस आर क्यूब को वापस ऑलमोस्ट आप उसी फॉर्म पे लेकर आ जाए जो ओरिजिनल जिस फॉर्म पे था तो ये आर फोर बन जाएगा तो पेयर एक्स एंड वाई इज द दर ऑफ एन इफ देयर इज अ पाथ ऑफ लेंथ एन फ्रॉम एक्स टू वाई इन आर सो दैट इज सेट टू बी अप पावर ऑफ द रिलेशन इन अ फॉर्म ऑफ दर्डिस एंड देयर नोट्स तो होप यू एंडरस्टैंड के एग्जाम्पल ऑफ पावर ऑफ रिलेशन क्या था इस सेशन पर हमने डीपली तमाम टॉपिक्स को देखा जो टॉपिक्स से रिलेटेड थे नाइन पॉइंट फोर से एक ही चीज़ों को हमने पार्ट्स किया और होपफुली सारी चीज़ें क्लियर होंगी फिर भी अगर कोई सवाल है कोई चीज़ समझ में ना आई तो कमेंट सेशन पर मुझे जरूर बताएं कोशिश करूँगा इस हवाले से आपको बर वक्त जवाब दे सको और अगर इस स्लाइड पर जिसमें हमने पावर ऑफ रिलेशन को देखा है उसमें कन्फ्यूजन है तो आपको आर ऑफ आर जो जैसे सेशन पर हमने डिस्कस किया उसका पता होना ज़रूरी है क्योंकि उसके बिहार पर हम प्योर्ड वैल्यूज़ देख रहे थे यानी आर पर अगर वन कॉमा वन है तो हम ये देखेंगे कि वन कॉमा वन का मतलब है बी की वैल्यू भी वन है तो क्या सेकंड आर में बी वन ए की जगह मौजूद है या नहीं तो बिहाफ ऑफ दिस उस आर ऑफ आर को डायरेक्टेड फॉर्म पे ग्राफ के फॉर्म पे यहाँ पे दिखाया जा रहा है तो वो सेशन तो अगर आप देखेंगे तो ये चीज जो कन्वर्जन है वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी तो नेक्स्ट सेशन पर मिलते हैं और नेक्स्ट सेशन पर हम डिस्कस करेंगे इक्वल्स रिलेशन को नाइन पॉइंट फाइव नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं सीओदेव